हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ग्वार फली की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ग्वार फली बहुत ही हेल्दी सब्जी होता है। सीजन में ताजी ताजी ग्वार फली मिल जाए और इस तरीके से आप सब्जी बना के खाइए, कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये ग्वार फली की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे, यानी कि एक बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, चार लौंग, दो तीन तेज पत्ती और इसे हम छोड़ देंगे। फोरन को हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से तड़कने देंगे। फोरन का कलर चेंज हो गया है, फोरन कभी जलने नहीं देना चाहिए। जस्ट उसमें हल्का सा ब्राउनिश आ जाए तो हम उसमें बड़ा साइज दो प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है उसे फोरन में छोड़ देंगे और इसे गलने तक भूनेंगे, यानी कि हल्का सा ब्राउन होगा तब तक हम इसे भूनेंगे। प्याज को बीच बीच में चलाते हुए भूनना है। प्याज को हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है, अब हम बीच में ही डाल देंगे अदरक लहसुन का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट, क्योंकि इसे भी हमें प्याज के साथ 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। अब हम इसे भी प्याज के साथ 1.5 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। प्याज अदरक लहसुन को हमने भून लिया है, आप देख सकते हैं प्याज गल चुका है, अदरक लहसुन भी भून गया है। लहसुन पहले भूनने का रीजन है कि इसकी कच्चापन दूर हो जाती है, नहीं तो सब्जी डालने के बाद डालेंगे तो फिर ये अच्छे से भून नहीं पाता है। अब हम मसाला ऐड करेंगे, तो गैस का फ्लेम हम स्लो कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, कम तीखा पसंद है तो कम डालिए, पर इसमें मिर्च ज्यादा डालते हैं क्योंकि इसी की ग्रेवी बनती है। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक मसाला को भून लेंगे, क्योंकि अपना मसाला जो ड्राई रहता है उसे हम 1 से 1.5 मिनट ही भूनते हैं तो अच्छे से भून जाता है। तो चलाते हुए हम 1 से 1.5 मिनट तक मसाला को भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी मसाला भून गई है, इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब हम एक ग्वार फली है जिसको हमने 2-3 बार धो के उसके ऊपर का और ये वाला पार्ट दोनों काट के हटा लिया है। तो हमने सभी ग्वार फली को दोनों पॉइंट को काट के हटा के 2 बार धो लिया है। तो कोई कोई इसके छोटे छोटे पीसेस करके बनाते हैं, पर हम यहाँ पे खड़ा ग्वार फली बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम ग्वार फली को मसाला में डाल देंगे। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम ग्वार फली को मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर दिए हैं।
अब हम क्या करेंगे, एक कवर से कवर करके इसे 3 से 4 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम आपको चेक करके बताएंगे। अब हम कवर हटा के एक बार ग्वारफली चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं ग्वारफली अपनी काफी गल चुकी है। इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है, और इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम साथ में डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, तो हम यहाँ पे नमक भी डाल दे रहे हैं, और अच्छे से ग्वार फली को चला लेंगे। अब हमें इसे ढक के 8 से 10 मिनट और पकाना है, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए और ग्वार फली भी और थोड़ी सी गल जाएगी। अब हम ढक्कन हटा के एक बार फिर से ग्वार फली चला लेंगे, तो आप देख सकते हैं अपनी टमाटर जो है वो भी गल चुकी है। अगर आपसे टमाटर इतनी जल्दी नहीं गली है तो 1 से 2 बार और चला के ढक के गला लीजिए, पर यहाँ पे सब सब्जियां अच्छे से गल चुकी है, ग्वार फली टमाटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, और साथ में हम डालेंगे इसमें ग्रेट किया हुआ कोकोनट यानी कि नारियल, इससे ये सब्जी में 4 चांद लग जाती है। इसका टेस्ट आप भुला नहीं पाएंगे जब बनाएंगे तो, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम कवर करके इसे 4 से 5 मिनट तक और पका लेंगे। हम सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं, तो आपको हम सब्जी चेक करके बताते हैं कि ग्वार फली पकी है कि नहीं। तो हम एक ग्वार फली को प्लेट में निकाल के आपको चम्मच से दबा के दिखाते हैं। ये बहुत अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि हमने इसे कवर कर करके 10-10 मिनट करके 3 से 4 बार पकाया है। ग्रेवी भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसे मिक्स करके और गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। जैसा कि आपने सुना होगा, ग्वार फली बहुत ही पौष्टिक होती है। तो सब्जी बनकर तैयार है, चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सब्जी की हमने प्लेटिंग कर ली है, अब थोड़ा सा नारियल की बुरादा से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी ग्वार फली की सब्जी तैयार हुई है। टेस्ट तो आप बना के खाएंगे तभी मालूम पड़ेगा, पर ये बहुत ही बेहतरीन सब्जी तैयार होती है। इसे आप रोटी पूरी पराठा चपाती के साथ खा सकते हैं, और बनाना कितना आसान है वो भी आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये ग्वार फली की सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।